तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से, ये तस्वीरें हैं। सीएम भजनलाल पहुंचे हुए हैं और अब नामांकन सभा के बाद में ये रोड शो नजर आ रहा है। नारायण पंचारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीएम भजनलाल शर्मा और बाबू राठौर पीछे आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम नेता यहां पर हैं, विधायक मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हाथ जोड़े हुए जनता से यही निवेदन करते हुए कि एक बार फिर से जीत दर्ज कराएं, बीजेपी को वोट दें। और उसी सिलसिले में, उसी को लेकर ये रैली निकाली जा रही है, रोड शो आप इसको कह सकते हैं, जिसमें एक गाड़ी में नजर आ रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जरा जानकारी दीजिए इस रोड शो को लेकर। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये रोड शो पोलो ग्राउंड से रवाना हुआ, जो कि कलेक्ट्रेट तक जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी गाड़ी में सवार है और अन्य जो विधायक और मंत्री हैं वो भी इनके साथ सवार है। ये पांचवती होते हुए, सोस्ती गेट होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे और वहां नामांकन अपना दूसरा दाखिल करेंगे। क्योंकि दर्शकों को बता दें कि एक नामांकन गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले ही दाखिल कर दिया, जो मुहूर्त के अनुसार किया गया, और अब दूसरा जो है दाखिल करने के लिए वहां से रवाना हुए। पूरा जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुजूम और जुलूस के साथ जो है ये रोड शो निकाला जा रहा है, जो कि कलेक्ट्रेट जाकर संपन्न होगा। जी मेगा। अच्छा, और इस दौरान कौन कौन मौजूद हैं? हालांकि अगर पहली पंक्ति में देखें तो जो इस गाड़ी में हम देख पा रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, नारायण पंचारिया, सीएम मौजूद हैं, विधायक बाबू राठौड़ भी मौजूद हैं, और कौन कौन मौजूद? बिल्कुल, साथ ही बता दूं कि कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल वो भी मौजूद है, राज्य मंत्री के विष्णोई मौजूद है, गजेंद्र सिंह खींचर कैबिनेट मंत्री है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है वो भी मौजूद है। इसके अलावा जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली मौजूद है, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी और तमाम लोग जो है जो पार्टी के पदाधिकारी वो भी इसमें मौजूद है। जितेंद्र, अगर यहाँ का जिक्र करें, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जीतते आ रहे हैं, 2014 हो या 2019 हमेशा जीत उन्होंने दर्ज की है। इस बार के अगर समीकरण देखें, क्या कुछ ये समीकरण कहते हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अगर मैं पिछले 10 साल की बजाय 1991 से लेकर 99 तक की बात करूँ तो कांग्रेस के पास ये जो है सीट रही थी, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो वहां से सांसद बनते आए, उसके बाद जो है ये फिर भाजपा के पास सीट गई थी, उसके बाद फिर जो है कांग्रेस के पास चली गई, जो महारानी थी वो यहाँ से जीती थी जोधपुर की, उसके बाद फिर ये भाजपा के पास गई। अब लगातार तीन बार, माफी चाहता हूँ, लगातार दो बार भाजपा के पास रही है, अब तीसरी बार जो है हैट्रिक बनाने की भाजपा कोशिश कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बड़े मुकाबले को रोचक बना रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो काफी यहाँ जोधपुर में टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। करण सिंह उचियारा यहाँ से उम्मीदवार है कांग्रेस के, और कांग्रेस की तमाम पूरी पार्टी जो है इस बार अपने पुराने जो किए कार्य और उसके साथ जो भाजपा ने जो कार्य नहीं किए केंद्र में रहते हुए, क्योंकि जल शक्ति मंत्री रहते हुए इन्होंने जो कार्य जोधपुर को लेकर अवेयर जो लगातार कांग्रेस आरोप लगाती आ रही है और उसको लेकर के जो है चुनावी रण में है। देखना होगा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाती है या कांग्रेस इस बार अपनी जो वर्चुअल सीट है वो वापस लेने में कामयाब होती है, क्योंकि ये जनता का निर्णय होगा। फिलहाल और ये रोड शो है जो अब कुछ देर और रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।